सर, मेरा नाम जहूर अहमद शाह है, मैं सदर सोमो ओनर्स यूनियन पांता चौक से हूँ। ये जो यहाँ पे ड्राइवर जमा हुए हैं, ये तमाम हमारे मेंबर हजरात हैं जो हमारे यूनियन के साथ वाबस्ता है, रजिस्टर्ड है। हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारी नाक के सामने से इलीगल ऑपरेशन हो रहा है मैक्सी कैब्स का, इनसे पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेने के बाद ये एक माफिया बन गया है जो वहाँ पे ऑपरेट करता है। और हम रजिस्टर्ड होने के बाद, हमारे पास अलॉटमेंट होने के बाद, तमाम दस्तावेज होने के बाद, हमारे साथ वो लड़ाइयाँ करने आते हैं, झगड़ा करने आते हैं। और इसमें एसडीए एज अ मम स्पेक्टेटर बैठा हुआ है, बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद कि इधर आप इनको लीगली प्रोसीजर फॉलो करके अलॉट कीजिए लैंड, डिमार्केट कीजिए लैंड, या अगर नहीं है तो वैकेट कीजिए। मगर इन्होंने ऐसा ही मतलब जाल बना रखा है कि इलीगल पनप रहा है, पैसे कलेक्ट कर रहा है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बुनियाद यह है कि हमारे बदकिस्मती है कि जो इस माफिया का सरगना है उसका बेटा तहसीलदार साहब का ड्राइवर है। मगर हम तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार हैं कि जो बार बार लीगल का बिल्कुल उसको साथ देते हैं, इलीगल को हावी नहीं होने देते। मगर हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं पहले उनके ड्राइवर का तबादला किया जाए ताकि ये मसला जो है ये माफिया बर्स्ट हो, इस माफिया की इंक्वायरी की जाए कि अगर कोई 50,000-60,000 रुपए इस लड़के से ले रहा है बेचारा, जो इफेक्ट हुआ है हाईकोर्ट की डायरेक्शन की वजह से, आप उसको लाल चौक एक्सेस नहीं दे रहे, तो उसको आप 50,000 ले रहे हैं कि हम आपको चलाएंगे, लाख रुपए ले रहे हैं हम आपको चलाएंगे, ये पैसा किस काम में लग रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना जमा हो गया, इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए, तहकीकात की जाए, हिसाब लिया जाए कि ये माफिया कर क्या रहा है, किस चीज़ के लिए माफिया ऑपरेट कर रहा है। हमारा रोजगार इफेक्ट हो रहा है, हमारे ड्राइवर रोज बरोज एक दिन हड़ताल, दूसरे दिन हड़ताल, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, ये रोजगार कमाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे या लड़ते रहे। ड्राइवर साहिबान हमारे सर यूनियन के साथ 70 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं एसडीए में जो अलॉटमेंट है। रिसेंटली हमारा जो स्टोन का कारोबार था वो भी इफेक्ट हो गया, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा था कि जो हमारे मोहल्ले में बेरोजगार जो लड़के हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार फराहम करेंगे, उनका प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंगली। एसडीए से भी हम ज़मीन थोड़ी ज़्यादा मांग लेंगे ताकि हमारे लड़के के जो बेरोजगार लड़के जो मोहल्ले में है वो किसी गलत काम के बजाय रोजगार में रहे। आप चाहते कि आपकी हम इतना चाहते हैं कि सर जो है इलीगल है इसको बंद किया जाए, जब वो लीगलाइज हो जाए, जब उसको एसडीए प्रॉपर अलॉटमेंट करे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से प्रॉपर परमिशन ले, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करे, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज हो जाए देन इफ दे ऑपरेट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, टिल दैट टाइम दे शुड नॉट ऑपरेट। ये इलीगल है, हमारे रोजगार के साथ खिलवाड़ है, हमारी जानों पे बनाया है, रोजमर्रा लड़ाइयाँ होती है। और खुदा न खास्ता अगर इस लड़ाई झगड़े में किसी की कोई मतलब चाहे इंजरी हो, कोई कुछ भी हो जाए, इसका वाहिद और वाहिद जिम्मेदार एसडीए डिपार्टमेंट है जो इस इलीगल चीज को परपने दे रहा है और इसके सपोर्ट में समर्थन दे रहा है। नहीं चलेगी।